हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, जितने भी उम्मीदवार अगर नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं तो वो उम्मीदवार सिर्फ बेवकूफ़ ही बन रहे हैं। यानी कि अगर बात करते हैं कि लगातार जितने भी दिन, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डिपार्टमेंट जो है वो UPNHM जो है, जो नेशनल हेल्थ मिशन जो है, वो नहीं चाहता है कि उम्मीदवारों की जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है वो अभी कंप्लीट किया जाए। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इन चीज़ों को लेकर जो इनके टोल फ्री नंबर है, अगर उन पर आप कॉल करते हैं तो ये आपको 100% कुछ ऐसी यहाँ पर जो है उनके तरफ से न्यूज़ सुनने को मिलेगी, जिसको यहाँ पर आप यह नहीं कह सकते हैं कि अगर नोटिस निकालने के बाद भी यहाँ पर जो है उन अधिकारियों का यह कहना है तो अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए उम्मीदवारों को काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को लेकर प्रयास करना पड़ेगा। और उस प्रयास में उम्मीदवारों को कितना समय लिया जा सकता है उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप सभी को देने वाला हूँ। जैसा कि दोस्तों, आज से अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखते हैं तो उसके अंदर ये साफ मैंने ये अपडेट किया था, और फिर से एक बार डिपार्टमेंट द्वारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर फिर से एक नई नोटिस जो है यहाँ पर जारी कर दी गई है। और उस नई नोटिस में यह साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि अब जो है इन प्रक्रियाओं के लिए, संशोधन के लिए और जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो यहाँ पर दिनांक रखी गई है वो 18 यानी कि 18/12/2022 से लेकर अब जो है 18/1/2025 तक। पर ये जो डेट डिपार्टमेंट द्वारा दी जा रही है ये बिल्कुल ही गलत दी जा रही है, इस पर ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके बारे में सबसे पहले अपडेट बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस नोटिस को पढ़ लेते हैं कि इन्होंने इस बार क्या कहा है और क्यों कहा है, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन है, 15 अंक संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्थानीय, यहाँ पर रहते हैं, दिनांक 13/11/2024, यानी कि दोस्तों कल के डेट में ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और आपने कई सारे नोटिफिकेशन उम्मीदवारों ने देख लिया, जिसमें कि बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संघ यहाँ पर जो है पत्र संख्या 150 के तहत यहाँ पर जो है स्थानीय दिनांक 15/10 को यह नोटिस यहाँ पर जारी कर उम्मीदवारों को सूचना दी गई थी, जिसकी अपडेट हमने दी थी, जिसमें कि बताया जा रहा है कि कर्मचारी यहाँ पर जो है संविदा यहाँ पर जो है कर्मियों हेतु विवरण को लेकर 24/25 यहाँ पर जो है पारंपरिक यहाँ पर जो है यहाँ पर पुनः नियुक्ति लागू किया जाएगा, और पारंपरिक पुनः नियुक्ति लागू के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। दिनांक यहाँ पर 14/11 जो है यहाँ पर बताया जा रहा था, उसे यहाँ पर फिर से यह अपडेट कर दिया गया और बताया गया कि फिर से कुछ कारणों के कारण यहाँ पर जो है संशोधन किया जा रहा है, अब 18/12/2024 से लेकर जो है 18/1/2024 को यहाँ पर किया जाएगा। पहले तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो डेट बताया गया है कि आप सभी की जो डेट बताई गई है वो 18/12/2024 से की जाएगी, और फिर इन्होंने यहाँ पर देते हैं कितने यहाँ पर जो है लंबा गैप लिया है, इसके बाद यहाँ पर जो है कितना लंबा गैप लिया है वो यहाँ पर देख लीजिए, और इसके अंदर कितना लंबा गैप था। तो यहाँ पर ये जो डेट दिया गया है दोस्तों, इसे फिर से यहाँ पर कैंसिल किया जाएगा, यानी कि आज से 4 दिन के बाद का इन्होंने डेट मेंशन किया है कि इस ताले से चालू कर दिया जाएगा, पर नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, क्यों दोस्तों यहाँ पर ये नहीं किया जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कर्मचारियों का अभी तक का यह कहना है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर अभी जो है फाइनली एक मीटिंग की गई है, और उस मीटिंग के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। पर दोस्तों उम्मीदवार आप कहेंगे कि आखिर इनकी नोटिस क्यों जारी की गई, नोटिस दोस्तों इसलिए जारी करना पड़ा डिपार्टमेंट को क्योंकि उम्मीदवारों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दबाव बना दिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दबाव था, जितने भी संविदा कर्मी हैं वो सारे अपने कार्य को छोड़कर जो है इस संविदा कर्मी की भर्ती से जुड़ गए थे, और हर एक स्टेट यानी कि दोस्तों हर एक स्टेट के जितने भी संविदा कर्मी हैं उस स्टेट के अंदर उन सारे उम्मीदवारों ने अपने जो है कामों को यहाँ पर पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया गया था, जिसके कारण डिपार्टमेंट को, NHM MD को, मंत्रालय को, यहाँ पर जो है चिकित्सा मंत्री को यह फैसला लेना पड़ा कि उम्मीदवारों की म्यूचुअल ट्रांसफ़र करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसको लेकर क्योंकि कार्य पूरे तरह से अव्यस्त है, क्योंकि कहीं भी संविदा पर जा रहे हैं अगर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नहीं मिल रहे हैं, या फार्मिस्ट नहीं मिल रहे हैं, ANM नहीं मिल रहे हैं, लैब टेक्नीशियन नहीं मिल रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर नहीं मिल रहे हैं,
तो यहाँ पर कार्य में बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही है, जिसके कारण उनकी एक मीटिंग हुई यहाँ पर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और उन्होंने यह कहा कि इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट एक यहाँ पर जो है नोटिस के माध्यम से किया जाए, और फिर जब इनकी ट्रांसफ़र की बात होगी तो जो डेट की प्रक्रिया है वो यहाँ पर देख लिया जाएगा। पर दोस्तों डेट में अभी आपको 2 से 3 डेट और पड़ेंगे, यानी कि अगर इन प्रक्रिया की बात करें तो 25 के फरवरी से पहले यह प्रक्रिया आप सभी की नहीं करने वाले हैं, यह बात कन्फर्मेशन रख लीजिए, क्योंकि उन अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जो प्रक्रिया है वो पूरे तरह से चल रही है और चलने में कुछ और समय लगेगा, तब जाकर यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट इन चीज़ों पर काम करेगी। क्योंकि जिन चीज़ों को लेकर यानी कि जो ऑनलाइन संशोधन जो पोर्टल करने हैं वही इनकी वर्क इन प्रोग्रेस में है, वो पूरे तरह से काम नहीं है। अगर UPNHM के यहाँ पर जो है फॉलो वाले पेज पर अगर जाते हैं तो अगर आप देखेंगे तो लगातार उम्मीदवारों के कम से कम डेली 100 से 150 यहाँ पर अपने ट्रांसफ़र को लेकर उम्मीदवार जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं, अगर जुड़ते हैं तो वहाँ पर देखेंगे। पर डिपार्टमेंट की जो पोर्टल है वो पूरे तरह से एक्टिव नहीं हो पाई है और उसमें उम्मीदवारों के अभी कुछ और टाइम लगेंगे, जिसके बाद ही यहाँ पर जो है आप सभी के 25 के बाद ही यहाँ पर जो है 25 के फरवरी तक यहाँ पर जो है आप सभी की इस पोर्टल को एक्टिव किया जाएगा, यह आप कंफर्मेशन न्यूज़ रख सकते हैं। तो जितने भी उम्मीदवार अभी वेट कर रहे हैं वो थोड़ा सा और वेट करें, क्योंकि कई सारे कार्य हैं जो डिपार्टमेंट को यहाँ पर जो है देने हैं, और कई सारे जो भर्तियों का उन्होंने दिसंबर तक ब्यौरा भी यहाँ पर जो किया है और मंत्रिमंडल से उनके तरफ से यहाँ पर जो है कठोर वचनों भी हैं जिनके कारण ये कार्य जो है चल रहे हैं। नहीं तो दोस्तों अगर ये कार्य अभी तक नहीं चले होते, क्योंकि कई सारे समितियां जो हैं उनसे मिलकर अपनी बातें की हैं और उस बातों में उम्मीदवारों की संख्या के लिए यहाँ पर जो है वैल्यू के लिए यह नोटिस जारी कर उम्मीदवारों को शांत किया गया था। पर दोस्तों अब जो है एक या दो बार में अगर नहीं होता है तो उम्मीदवार इन चीज़ों के लिए फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं और संविदा की जो है मांग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वह आंदोलन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है यूज़फुल रहा था उम्मीदवारों के लिए। तो दोस्तों यही बता रहा था कि जो अभी प्रक्रिया है आप सभी को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के बाद ही आप सभी की जो है प्रक्रिया में थोड़ा सा हलचल देखने को मिलेगा इन चीज़ों को लेकर। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को बताऊँगा, और साथ ही दोस्तों इस टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके भी अपनी प्रक्रियाओं को लेकर अभी तक क्या गतिविधि डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है वो भी यहाँ पर आप जान सकते हैं। अगर दोस्तों डिपार्टमेंट ने इस नोटिस को पब्लिश नहीं किया होता पहले दोस्तों नवंबर के ये चीज़ अगर आप किसी को अक्टूबर में ये चीज़ यहाँ पर अपडेट नहीं किया होता तो अभी तक इस नोटिस की जो प्रोग्रेस है वो भी आप सभी को कहीं देखने को नहीं मिलती, क्योंकि हर एक स्टेट यहाँ पर जो है अब संविदा बेसिस पर जो है उन्हें होम टाउन देने के लिए यहाँ पर जो है लगातार जो है इन चीज़ों की काम कर रहा है, और जिसके कारण अगर एक जगह से ये काम सक्सेसफुली पोर्टल का काम हो जाएगा तो हर एक जगह पर जो है आप सभी को प्रोग्रेस के लिए वो पोर्टल देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों इस पोर्टल पर काम चल रहा है, क्योंकि उनके कई सारे कैटेगरियाँ हैं, उन कैटेगरियाँ को फॉलो करते हुए उम्मीदवारों को यहाँ पर जो है देखना है और उस कैटेगरिया में उम्मीदवारों को किस तरह से ढालना है यह सारी चीज़ जो है डिपार्टमेंट वो कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा और आप सभी को वेट करना पड़ सकता है। तो आप सभी को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरह से उम्मीदवारों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है उसमें भी आपका क्या राय है वो जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब दोस्तों जय हिंद।